खूबसूरत कॉम्बिनेशन नजर आएगा लोगों को, कितनी हंसी है जिंदगी के गानों में कि पाकिस्तानी और इंडियन सिंगर्स का एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन जो है वो मैं लेकर आ रही हूँ। कौन कौन सिंगर्स ला रही हैं हमारे लिए? हमारे अपने वतन से, मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान से मैंने लिए हैं जी राहत फतेह अली खान, वाओ, इसके अलावा इब्रार उल हक, मजे की बात, खुशी की बात, और एक बहुत बड़ी न्यूज कि इब्रार ने किसी फिल्म के लिए पहली बार गाना गाया प्रॉपरली उस तरह से। हाँ, जी, उनके वीडियो में से, एल्बम में से गाना देखते थे लोग, जो सुनते थे तो स्पेशली फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लेते थे, लेकिन फिल्म के लिए पहली बार उन्होंने गाना गाया है। से कौन है? इसके अलावा शाजिया मंजूर, उन्होंने भी बहुत अरसे के बाद किसी फिल्म के लिए बाकायदा गाना गाया। फुल हैट्स टू यू। और इंडिया से जो है वो सुनिधि चौहान है, शान है, कैलाश खेर है, और इसके अलावा मेरी फेवरेट जो वहां से हैं, जैसे पाकिस्तान से मुझे शाजिया बहुत पसंद है, तो वहां से वो जो श्रेया तो नहीं है, श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल, यहाँ जरा स्टॉपेज लेते हैं, आप ही का एक गाना सुनवाते हैं आपको। क्या आई थी इस गाने में आप? अली जफर ने गाया और आपने इतना अच्छा एक्ट किया, और बल्कि मैं कांग्रेस दूंगा, हाल ही में नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक इंटरनेशनल सोप के एड में आप क्या लग रही हैं, जबरदस्त, फैबुलस, अमेजिंग। आज हमारे साथ है रीमा खान। आज शो इस मसाला की हिस्ट्री का बहुत बड़ा शो, आई थिंक नंबर वन शो होने वाला है कि आज हमारे साथ है रीमा खान। देखा जो तेरी आंखों में, इंजॉय कीजिएगा, साथ दीजिएगा, 15 मिनट रह गए हैं आपके और रीमा जी के दरमियान, मैं नहीं आऊंगा, राइट? चलते हैं, गाना सुनते हैं और फिर कमर्शियल ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको 2 मिनट के बाद। देखा जो तेरी आंखों में दीवाना हो गया, तेरी मीठी बातों में मस्ताना खो गया, जानू ना क्यों लगती हो यूं, जाने मन तेरी में, तेरी में, तेरी हर अदा पे मैं तो हूँ फिदा, ये जाने खुदा। देखा जो तेरी आंखों में दीवाना कैसे ना होता होया, तेरी मीठी बातों में मस्ताना कैसे ना खोता होया। You are tuned into Shoy's Masala on Merz FM 103. फसाने में हमने पढ़ा, देखा जो तेरी आंखों में दीवाना हो गया, वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं शो इज मसाला और आज की रात जगमग जगमग करती हमारी सुपरस्टार सेलिब्रिटी के साथ रीमा खान, वेलकम बैक, राइट? बहुत शुक्रिया। तो कैसा फील कर रही हैं आज आप शोबिज मसाला में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, गुजरने का एहसास ही नहीं। हाँ, बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा। और जनाब अब आ गया है रीमा दूसरा घंटा, और लिसनर्स के इतने सवाल हैं, एक वो कहते हैं ना, एक जम्मे गफीर है, वो भी शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा करते हैं जरा पहले एसएमएस की वादी खोलते हैं, बिकॉज लोग बेचैन हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्यों नहीं हो रहे। लिसनर्स, अब आप लोग जल्दी से डायल करें 111111103। अगर रीमा खान से आपने बात करनी है, ये ऑनर हासिल करना है, तो एक काम कीजिएगा, सवाल लिख लें पहले, एकदम बुखलाते नहीं है, राइट? शी इज अ सुपरस्टार, यू नो, तो जरा ध्यान से, ठीक है? तो हम चलते हैं, आप कैसे मैच आपने किए हैं 6278 पे। हेलो, मैं हूँ मलिका। रीमा, क्या हाल है? आपकी बातें बहुत मीठी हैं, वाह। बहुत शुक्रिया। जो लोग खुद मीठे होते हैं उनको दूसरों की बातें भी अच्छी लगती हैं और लोग भी मीठे लगते हैं। सवाहत कह रहे रीमा जी, अस्सलाम वालेकुम, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? वालेकुम अस्सलाम,
दिल के अंदर सच्चाई है और सच्चाई का अक्स चेहरे पर आ जाता है। वाओ, दैट्स द स्पिरिट। इमराना इच्छा से पूछ रहे हैं, रीमा आप हम सबकी बहुत फेवरेट हैं, जिस तरह आप पाकिस्तान को प्रेजेंट करती हैं ना, हमारा दिल बिल्लियों ऊपर आ जाता है। वाओ, दैट्स गुड। बहुत शुक्रिया, और जब तक जिंदा हूँ अपने वतन का, अपनी कौम का नाम रोशन करती रहूँ। आयशा कह रही है, रीमा आई लाइक यू सो मच, मैं आप जैसी बनना चाहती हूँ, कैसे बन पाऊंगी? अपने अंदर मेहनत का जज्बा पैदा कीजिए, अदब पैदा कीजिए, वालदेन की दुआएं लीजिए, तो यकीन कीजिए मुझसे भी बहुत आगे जाएंगे। सोमा कह रही है, मैंने आज तक कभी SMS नहीं किया था, आज रीमा जी की मतभर आवाज ने बेचैन कर दिया। सोमा, यही तो है रीमा की खूबसूरती का राज। यस। आरिश कह रही, रीमा जी आप बताएं कि कभी किसी से मोहब्बत हुई है और क्या आपको मोहब्बत मिली? वाओ, दैट्स अ सो मुश्किल सवाल। हाँ, मुश्किल सवाल। मोहब्बत के बहुत रंग हैं, लेकिन वो जो खास किस्म की मोहब्बत है ना, वो तो किसी खास से ही होती है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। अनीस कह रहे हैं, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? गॉर्जियस रीमा, यू रियली आर अ ब्यूटी क्वीन। इतने रिमार्क्स आ रहे हैं रीमा। वी आर हुंजा एंड महक। रीमा आपकी स्किन बहुत अच्छी है, आप हमें राज बताइए ना, किस तरह रखती हैं अपने आप को? मैं काफी सारे टिप्स देकर जाऊंगी। आपने एजाज साहब को बिल्कुल माफ नहीं करना और इनसे कहना कि जो जो रीमा बताकर गई है, हाँ, तो हमें सब कुछ बताइए। ठीक है, जहान कह रही है, वेलकम रीमा, व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर एवरलास्टिंग ब्यूटी? हो गया जवाब। मेहरू कह रही है, शो इज ग्रेट, आज का शो कभी नहीं भूलेगा। रीमा खान, आपको अपनी किस फिल्म का कौन सा रोल बेस्ट लगता है? ये हुआ है सवाल। मुझे फिल्म निकाह का और कोई तुच्छा कहाँ का। बिल्कुल ठीक है। अमजद कह रहे हैं, रीमा आस और मैं अमजद हूँ, नबील है हमारे साथ, और कह रहे हैं कि हम आपके दोस्त बनना चाहते हैं, बन सकते हैं? आप सब लोग मेरे दोस्त हैं। हाँ, ये चीज महफूज कह रहे हैं, रीमा जी आपने शादी के बारे में सोचा भी है कि नहीं सोचा? बिल्कुल सोचा, शादी तो बड़ी प्यारी चीज है और बड़ा प्यारा रिश्ता है, जब भी होगा, लेकिन अभी तो यकीन कीजिए सिर्फ और सिर्फ काम के हवाले से सोच रहे हैं। एक बात है कि हमारे एक SMSer है जो इंडिया से हमें SMS करते हैं, बल्कि ईमेल भेजते हैं, राहुल, वो कह रहे हैं, नमस्ते रीमा जी, यू आर अ बेस्ट फेवरेट एक्ट्रेस, माय पत्नी अंजलि। रीमा, माय पत्नी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ ब्यूटी? देखो आगे सवाल इन हो गया बस लोगों का। मैं जी बस खुश रहती हूँ और दूसरों को खुश देखकर खुश होती हूँ, क्योंकि आज के दौर में सबसे मुश्किल काम है कि लोग दूसरों को खुश देखकर खुश नहीं होते। इरम अख्तर कह रही है, आपने शादी कब करनी है और आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आती? नहीं नहीं, पॉलिटिशियन नहीं बनना, बिल्कुल इसी फील्ड के अंदर काम करना। जहाँ तक शादी की बात है, तो इरम जब ऊपर वाले को मंजूर होगा, अभी पूरी तवज्जो जो है वो फिल्म की तरफ है। जहाँ से तुझे ग्रेट हो, आप रीमा खान को कैसे ले आए? यही तो बात है ना, रीमा जी इतनी अच्छी हैं, मैं फरजाना हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड, रीमा को सुन के इतनी खुशी हो रही है, शी इज नंबर वन, ये चीज। और हम जा रहे हैं सोनी सोनी सोनी। गाना बहुत मीठा है, इसके बाद आपकी कॉल्स ओपन कर रहे हैं, जल्दी से डायल कर रहे हैं 111111103 और बात कर ले रीमा खान आपके सामने एक्सक्लूसिव ऑन मस्त FM 103। हियर वी गो। सारी कायनात है तू, मेरा दिन है मेरी रात है, मेरी पहचान तेरी जात है, मेरा एहसास है तू, जीने की आस है तू, तू मेरी सारी कायनात।